वाह भाई, ट्रक हो गया न्यू मेक्सिको से आगे वाली जर्नी करने के लिए टोरंटो की तरफ। लेकिन ये वाला कवर देखे मेरे को इश्क बड़ा आ रहा है। लाइटें वाइटें सब चल रही है, पीडीआई मैंने कर दी। तो ये लो, ट्रिप हो गया जीरो। सुबह सुबह खाने खाने को दिल नहीं कर रहा, अंदर ब्रेड ब्रेड कुछ मिलता ही नहीं है। मैं चीज ढूंढ के लेके आया हूँ, आपको बढ़िया लगेगी। है तो ये पकौड़े टाइप है, लेकिन ये एलोपिनो और चीज है इसमें। ये आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ये देखो एप्पल पाई है, एप्पल टर्नओवर है। मैं ना चाय लेके आया था, लेकिन मैं कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीता। मैं कुछ खाऊंगा उसके बाद में चाय पी सकता हूँ, तो इसलिए मैंने ये लेके आया। और टेम्परेचर यहाँ का मालूम है, ये देखो जीरो। तो बाहर ठंडी हवा चल रही है, फील लाइक -4। अभी इस बात के ऊपर तो एक ही चीज बोलेंगे, कर लो आवाज स्पीकर दी, करन भरा तुहाडा स्नोबॉल जान लगा। बाबा जी भला करना, स्नो का नाम सुन के ना अंदर एक टुकड़ी जी छिरती है कि भाई आगे मौसम जो है माइनस में। सत श्रीकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल। चढ़दी कला ही होनी चाहिए। मजेदार ट्रकिंग बोलते हैं इसको। सुबह उठो अपना मजे से सारा हाईवे करना, ना कोई पिकअप ना कोई ड्रॉप, 4000 किलोमीटर का गेड़ा पकड़ा हुआ है। और ये ट्रक देखो, लाइटें देखी लगी पीटर बेल्ट के ऊपर, दिल खुश हो गया। अमेरिका में इंटरस्टेट हाईवे, लोगों के ट्रक और ये लव का पंप, ये अपनी फेवरेट चीजें। वो देखो सामने ट्रकों की लाइन लगी हुई ना रैंप के ऊपर, तो आप रैंप के ऊपर भी पार्क कर सकते हो, कोई मसला नहीं यहाँ पे। वेलकम टू टेक्सस। यहाँ से टेक्सस शुरू होता है और हमारा ट्रक यहाँ से हो गया टेक्सस के अंदर दाखिल। तो ये लो भाई, एक और प्रोविंस अपनी पार हो गई। इंटरस्टेट है, ज्यादातर हम पार्किंग कर नहीं सकते, लेकिन एक और स्टेट जो अमेरिका की, उसमें एंटर हो रहे हैं कैमरे के साथ में। ज्यादा टैक्सेस हमने अंदर नहीं जाना, हमने उसकी बाउंड्री लाइन से पास पास में से गुजर जाना है। मैप में डालूंगा, देख लेना। ये वही हिसाब है भाई, दूध का सड़ा हुआ लस्सी को भी फूके मार मार के पीता है। जब से टैक्सेस में बड़े कांड हुए ना, उसके बाद में टाइम से केमिकल डाल रहे हैं। ये स्नो डीआइस करने वाला केमिकल है। अभी स्नो का कोई नामो निशान भी नहीं है, टेम्परेचर -1-2 है, तो ये डरे हुए। इसका बड़ा फायदा है गार्मिन मैप का, ये अपने आप बता देता है कि लव का ड्राइवर स्टॉप इतने किलोमीटर के पास में ये वाले एग्जिट के ऊपर, तो उससे हिसाब हो जाता है बंदे को। मैं ढूंढ रहा था आज की कोई लव का पंप मिल जाए, साथ में सब भी होना चाहिए, तो दोनों चीजें अपने को यहाँ पे मिल रही है। तो सब भी है बनाया, फिर मैं आ गया यहाँ से आवाज लगा दी। ब्रिज तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने मिन मिन के बनाया इंची टेप से, कि बस दो ट्रक आसपास से जाएं बस पूरे पूरे। साथ में डीजल भी डलवा लेंगे, वैसे आधा टैंकी खाया है इसने, क्योंकि अपने पास वजन हल्का है ना। ये पंप भी छोटा ही लग रहा है, इतना बड़ा पंप है नहीं। लव के पंप जो है, कई पंपों की जगह जो होती है डीजल डालने वाली, वो होती है बाहर निकलने के टाइम में, तो वो आपकी मर्जी है। मैं भी आज ऐसे करूंगा, पहले मैंने ट्रक पार्क करके अपना सवे सूबे खा के फिर बाहर निकलने के टाइम में डीजल डाल के फिर निकल जाएंगे। आज पूरे अमेरिका में छुट्टी है भाई जी, तो ये देखो दुनिया पूरी पंपों के ऊपर ही है। मैंने सोचा पहले डीजल ही डाल लेते हैं, ये काम खत्म हो जाएगा, डीजल वाली लैंड खाली थी। हम अभी फिर रहे हैं ओक्लाहोमा, ये भी यूएसए की 50 स्टेटों में से ये भी एक स्टेट है, और ये जानी जाती है भाई मोस्टली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए। लेकिन जब गोरे लोग यहाँ पे आए थे ना, तो उन्होंने इसको बाद में बना दिया फार्मिंग लैंड, एग्रीकल्चर, और यहाँ पे गायें भैंसे जो काट के बाहर बेचते हैं बीफ के लिए, उसके लिए भी ये जानी जाती है ओक्लाहोमा। यहाँ ऊपर नाम आएगा ऐसे आपको समझ लगेगी कि स्टेट कौन सी है। मेन मेन स्टेटें हम लोग जानते हैं, जैसे टेक्सास जानते हैं, कैलिफोर्निया जानते हैं, पेंसिल्वेनिया होगी, जो बाहर बैठे हुए हैं। तो जब हम अंदर घुसते तब मेरे को मालूम पड़ता है कौन सी स्टेट है, क्योंकि नाम ही 50 स्टेट हैं टोटल 50। यहाँ से ना थोड़ा सा बलून बन रहा था, बलून हवा पड़ती ना वैसे बाहर को निकलती यहाँ, ये तो अभी ठीक है। काम ऐसा करो, चार बंदे प्रशंसा जरूर करें आप। जब आप वहां से शीशे से देखते हो ना, तो ऐसे लगता है जैसे पीछे बहुत गहरी जगह है। ये देखो वो कहाँ पे पैली हैं, और देखो पूरा लग रहा है ना पंजाब वाला माहौल। वो सामने ट्रैक्टर भी चल रहा है, देखो जिस हिसाब से मैं बंजियाँ यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि मेरे को 200 बंजियाँ चाहिए टोटल।
ये कितने टेम्परेचर वाला होगा भाई जी? ये -20 तक है, -20। जैसे जैसे हम आगे चले जाएंगे ना, माइनस गिरते जाएंगे। अपने को चाहिए -30-35 वाला कम से कम। अपना सबे बन के रेडी हो गया भाई। ग्रीन पेपर, स्पिनच। दो ऑप्शन होती हैं अपने पास, एक होती चाहे आप पॉइंट से ले लो अगर सबवे इनके अंदर ही बना हुआ है, अगर नहीं तो फिर पैसे दे के ले लो। अपने पास इतने पॉइंट है नहीं अभी, तो इसलिए मैंने पैसे दे के लिए हैं, वही $8-9 अकेला सबवे पेप्सी के बगैर। आ चक मसाला चाला। ओ भाई गलत आइडिया मत लगाना, मंदीप ने सारे मसाले जो है ना वो पीस के दिए, लौंग, गर्म मसाला, हरी इलायची और थोड़ा सा इसमें वो दूसरा पाउडर होता है चाय का, होता है ना एक डब्बे में आता है यार एमडीएच मसाले में चाय मसाला, वो मेरे को मालूम है बंदों का दिमाग उल्टी साइड में घूमता है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं। चाय पीने का ना अभी चस्का लग गया घर वाली का, बाहर की चाय लब्स की स्वाद नहीं लगती भाई, उल्टा हो गया भाई उल्टा हो गया। अभी जो बंदा दौड़ लगा के जा रहा था ना, ऐसे बंदे दौड़ लगा के अपने शरीर को फिट रखते काम के ऊपर भी, मेरी इतना नहीं है, खाया पिया बस सत श्री अकाल। वो कैसे लॉक होना है भाई, मेरे पास इतना टाइम है नहीं भाई। ये भाई इसके पीछे एक लॉक लगा हुआ है, इससे आप जिसो जैसे मर्जी आप इसको घुमा लो ऐसे। ये देखो फिर आया ना, ये इसको बोलते हैं भाई मोटिवेशन और डेडिकेशन। ये बंदा ट्रकिंग के ऊपर भी फिट रखता है अपने आप को। अभी देखो अपने हाथ के पास, अपने हाथ के पास में सारा कुछ है, ये अपनी लॉग बुक हो गई, मैंने एक घंटे की ऑफ डाल दी यहाँ पे पूरे एक घंटे की, ये अपना मैप हो गया। लगा लो अपने हेडफोन भाई, कभी भी दूसरे ग्रह से कोई सिग्नल आ सकता है। मान गए उस्ताद मान गए। अभी अपने पास 6 घंटे बाकी हैं, तो 6 घंटे के हिसाब से अपने को कोई ना कोई स्टॉप ढूंढना पड़ेगा। स्टॉप ढूंढने के लिए एक ही तरीका है, अपने गूगल मैप के ऊपर अपनी लोकेशन डाल के अलोंग द साइड आप ढूंढ लो, हर 25-30 किलोमीटर के बाद में आपके पास में कोई ना कोई स्टॉप, कोई ना कोई पंप आएगा ही आएगा, चाहे रेस्ट स्टॉप आए चाहे पंप आए जहाँ कोई एग्जिट आए। मैं अप्रिशिएट करना चाहिए भाई अगर कोई अपनी सेहत के लिए ऐसा कर रहा है तो, क्या बात है यार। जल्दी जल्दी देखो भाई अगर दिखाई दे रहा है तो ये इंजन है किसी बहुत बड़ी चीज का इंजन है पक्का, या तो किसी बड़े वाले किसी ट्रक का होगा, या ट्रक होते हैं कोड़े की खानों में, कितना बड़ा इंजन है मेरे ख्याल में। उसका फ्लाई व्हील देखो, फ्लाई व्हील ये सही है भाई ये सही। आज की ताज़ा खबर ये है कि भाई अभी हम I-40 जो है ना इसको सासीकर बुला के इससे नीचे उतर जाएंगे। I-40 के ऊपर अपना सफर जो है ना यहाँ पे खत्म हो रहा है ट्रक मैप के हिसाब से, तो मैं रहूँगा एग्जिट यहाँ से 138B, और तकरीबन हमने इसके ऊपर सफर कर लिया भाई 1400 किलोमीटर कोई बिना ब्रेक के, और काफ़ी अच्छा इसके साथ में हमारा एक्सपीरियंस रहा है। अभी यहाँ से हमने अपना जो है वो रूट चेंज करके दूसरा रूट ले रहे हैं, यहाँ से अभी ओकलाहामा प्रोविंस स्टेट के अंदर, प्रोविंस निकलता है मुँह से स्टेट के अंदर, किरपा ट्रिक टर्न पाइक नाम का एक रोड है उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, और इसके बाद में घूम घाम के हमने I-44 के ऊपर चढ़ जाना है आगे जाके। ये देखो अगर सामने आपको बोर्ड नजर आ रहा है टर्न पाइक रोड है, टर्न पाइक पता किसको बोलते हैं, डबल ट्रेलर को कनाडा में टर्न पाइक बोलते हैं, लेकिन मालूम नहीं यहाँ पे टर्न पाइक क्यों लिखा हुआ है, किरपा ट्रिक टर्न पाइक ये दोनों रोड आगे देखो। कुछ तस्वीरें अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा ड्रोन की फुटेज, तो वो आपकी थोड़ी सी आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है और आपका दिल भी खुश कर सकती है, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो उसको देख के, उसको देख के आप लाइक भी कर सकते हो, अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन दिल साम के बैठना पड़ेगा क्योंकि हम हैं हाईवे 44 ओकलाहामा से। जैसे ही हम मिसूरी में एंटर होते हैं यहाँ पे एक ट्रक स्टॉप आता है मिसूरी जॉपलिन वाला पेट्रो, आयोवा I-80 के ऊपर एक सबसे बड़ा जो दुनिया का लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप है, वहाँ पे जाने का अभी तक मेरे को मौका नहीं मिला, लेकिन अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा ट्रक स्टॉप देखा है, अभी तो मैंने वो नहीं देखा, लेकिन ये मेरे को लगता है कि मैंने सबसे बड़ा ट्रक देख लिया, बड़ा ट्रक स्टॉप देख लिया। अभी ड्रोन शॉट देखो और हिसाब लगाना कि कहाँ कहाँ तक ट्रक लगे हुए हैं। ये देखो भाई ये इसका बोर्ड है रूट 66 मिसूरी जॉपलिन पेट्रो वेलकम। ये तो पहली लाइन ही है जहाँ मेरा और भाई का ट्रक खड़ा है या मेरे साथ में गोरे का ट्रक खड़ा है। अभी हम इसको ड्रोन को धीरे धीरे ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ा घुमाएंगे भी और ऊपर भी लेके जाएंगे, और ये सामने
जो एक लाइन लगी हुई है, दूसरी लाइन लेफ्ट साइड में, तीसरी लाइन, और ये सामने राइट साइड में देखो कारों का पंप है, ये इसका प्लाजा हो गया। ये देखो ये सारी रिजर्व पार्किंग है जो सेंटर वाली है ना, यहाँ पे पार्किंग आपको खाली नजर आ रही है ना, यहाँ पे सारी रिजर्व पार्किंग है। यहाँ से ट्रक की एंट्री होती है, ये जो सफेद वाला लेफ्ट साइड से ट्रक आ रहा है ना, और उस साइड में सामने भी देखो ट्रक की पार्किंग है, ठीक है। बहुत बड़ा पंप है भाई, राइट साइड में देखो ट्रक हैं, लेफ्ट साइड में देखो ट्रक हैं, ये नीचे अभी आ गए यहाँ से फ्यूल अप कर रहे हैं पेट्रोल के ऊपर ट्रक, बेहिसाब गिनती है ट्रकों की यहाँ पे। ये देखो ट्रक की ट्रक हैं, सारी पार्किंग ही है ट्रकों की, अभी तक खत्म नहीं हुई, अभी आगे भी और भी पार्किंग आएगी देखना। ये और पार्किंग आ गई, यहाँ और भी ट्रक लगे हुए हैं, मीन्स की बेहिसाब पार्किंग है, जहां तक आपका ध्यान जाता है पार्किंग ही पार्किंग है। देखो क्या नजारा है यार, मैं कहना इतनी दूर तक अभी तो गया ही नहीं, यहाँ पार्किंग है, सब खाली पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ से अगर आपको वॉशरूम वगैरह या कुछ खाने के लिए जाना होगा तो आपको काफी दूर पड़ जाएगा, इसलिए ये लोग वो है जिन्होंने लंबा लगा के सोना हुआ है। कितनी पार्किंग है भाई, अगर ये पार्किंग इतनी बिजी है, ये पंप इतना बिजी है, तो हाईवे I-80 के ऊपर जो सबसे बड़ा पंप है वो कितना बिजी होगा। अभी इसको आगे लेके आते हैं जल्दी जल्दी। ये जो अंधेरा सा आपको दिखाई दे रहा है, थोड़े से ट्रक दिखाई दे रहे हैं, ये इस साइड में पायलट का पंप है, पायलट का, और यहाँ पे लव का पंप भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये राइट साइड में जो अंधेरा है ना, ये पायलट का पंप है, लेकिन है ये भी ट्रकों का ही। ये लेफ्ट साइड में रेड वाला ट्रक देखो, क्या यार एक से एक ट्रक लगे हुए हैं, एक से एक ट्रक है भाई, एक से एक, वाह। ये जो लॉन्ग नोज लगे हुए ना ऑरेंज कलर के, ओए होए होए होए, यहाँ पे दो लोग पैदल जा रहे हैं ना, ये वाले देखो। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, वाओ वाओ। काले वाले के ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है 15-13। और ये मेगा स्लीपर खड़ा है, ये देखो नीले वाला दिखाई दिया आपको, लेकिन इसके अंदर जाने के लिए अपने इसकी परमिशन चाहिए अपने को, वो अपने पास है नहीं। इतने ट्रक दे, ये कहाँ जा रहा है भाई, सो जा अभी, तेरी ड्रोन से वीडियो बन रही है, तू जा कहाँ रहा है। क्या बात है यार, क्या बात है, अलग ही नंद है, अलग ही नंद है, अपना ही एक आनंद है, वाह। और ये देखो इधर, ये भाई साहब कितने ट्रक लगा के बैठे हुए हैं, ये इधर लगे हुए हैं, और सड़क के उस पार, ओए ये ब्लैक वाला देखो, ब्लैक वाला अकेला खड़ा है। आपको मालूम है मैंने पूरे 15-20 मिनट इसी काम के ऊपर खराब कर दिए, ये ट्रक देख देख के ना मैं पागल हो गया, ग्रीन वाला, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा मेरे को वॉशरूम आया हुआ है, मैं वॉशरूम करने नहीं जा रहा, मैं बोला अभी निकलेगा, अभी निकलेगा। जॉपलिन पेट्रो उधर देखना पड़ता है, उधर है ना वो जॉपलिन पेट्रो 44, पेट्रो 44 के नाम से मशहूर है ये वाला ट्रक स्टॉप, और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ की काम की दुकान मिल जाएगी, आपको ट्रक का काम करवाना है, आपको हेयर सलून भी है यहाँ पे इसी प्लाजे के अंदर, अभी मेरे को मालूम नहीं है कहाँ पे, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ प्लाजे के अंदर, जाके देखते हैं क्या क्या हिसाब किताब है। ये पार्किंग इसलिए खाली है क्योंकि यहाँ पे रिजर्व्ड है, सुपर ट्रक शोरूम, तो ट्रक का शोरूम है अंदर, सुपर ट्रक का अंदर जाके थोड़ी वीडियो बनाते हैं, अगर बना देते हैं तो देखते हैं। I-80 मैंने सुना है, वहाँ पे मैं गया नहीं, लेकिन ये पेट्रो 44 है जॉपलिन मसूरी। वो जो दो और ट्रक आपने ड्रोन शॉट में देखे थे, अभी जहाँ से भी देखो कितने जग रहे हैं वो, वाह। सामने लगे हुए हेड क्रैक, ये भी तो शटर लगा हुआ है यार, हेड क्रैक को ये देखो, शटर है, शटर के अंदर आपकी सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, इसका प्राइस होगा $4,000 के पास में। और ये हड का हेड कर, जहाँ पे हम चेनें टांगते हैं ना ट्रक के पीछे लगा हुआ, ये देखो, तो ये है $1,617 का हार्ड चेन हैंगर, लेकिन ये है इसमें आपकी चेनें गंदी मंदी नहीं होंगी, सीधा हिसाब है। ओह वाह यार, कितना बड़ा ट्रक स्टॉप है, कितने बड़े पार्ट है, सुपर ट्रक शोरूम, यहाँ पे ट्रक का आपको हर एक पार्ट मिल जाएगा। चलो अच्छा चेक करते हैं, बंजियाँ मिलती हैं तो बंजियाँ ले लेते हैं, लाइम लाइट
ये अंदर ही खड़ा है ट्रक इनके शोरूम के। वाह क्या बात है यार। और भाई पीटरबिल्ट का लॉन्ग नोज लाइम लाइट ये सिर्फ शो के लिए खिला रहा हुआ है इन्होंने, शो के लिए कि भाई शो देखो। और ये लॉन्ग व्हील बेस है, देखो इसका व्हील बेस देखो कितना लंबा, देखो ओए होए होए, अलॉय व्हील देखो शीशे के विजिबल, शीशा नहीं है इसकी प्लास्टिक लगा हुआ है लेकिन विजिबल है। और फिफ्थ व्हील देखो अभी तो चक्कर भी को नहीं लगाया भाई ने, लाइटें देखो इसके पीछे लगी हुई है, क्या बात है यार। और स्टैक देखो इसके, नज़ारा आ गया यार, नज़ारा आ गया। आज तो नींद बहुत बढ़िया आने वाली है अपने को। और टैंकियों के नीचे भी लाइटें लगी हुई है देखो, सिर्फ शो के लिए, ओपन नहीं हो सकता, लॉक किया हुआ है उन्होंने। आगे बढ़े बम्पर देखो, वाह ओपन करके देखते हैं अंदर है तो कुछ है, नहीं ओपन नहीं होता लेकिन यहाँ से देख लो ऐसे परफेक्ट चीज़ है ना। लेकिन ये महंगा बहुत होगा भाई आज के दिन में इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। उसकी लाइटें ऊपर वाली देखो, वो वाली वो हॉर्न लगे हुए इसके चार ऊपर, और ये उसकी मार्कर लाइटें पीटर बेल्ट की। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की, ये सही वही सेम ट्रक है जो बाहर हमने देखे हैं ना, ग्रीन ट्रक, वही सेम टिट्टो कॉपी अपने को बाहर मिली। टिट्टो कॉपी ऐसा लग रहा है जैसे वही ट्रक अंदर लेके आके खड़ा कर दिया या यही ट्रक बाहर लेके जाके खड़ा कर दिया, टिट्टो कॉपी है देखो भाई। लेकिन उसकी जो सामने वाली ये जो लाइटें हैं ना इसकी क्रोम है, उसकी ब्लैक लगी हुई थी, गौर करना। ओए होए स्टैक देखो भाई, ये 15,000 के पास में स्टैक होते हैं। अभी आपको स्टैकों का रेट भी समझाता हूँ कि स्टॉक ये जो एग्जॉस्ट होते हैं एग्जॉस्ट के स्टैक जो हैं कितने महंगे कितने सस्ते हैं, अभी इनका रेट भी मालूम करते हैं। कोई पैसे नहीं देखे गया, उसके पीछे भाग रहा है। लाइटें देखी आपने इसकी लाइटें, ये रेड कलर लगा हुआ है लाइटों के अंदर देखो, रेड नीचे वाइट, और इंडिकेटर देखो इसके। ओए होए होए भाई शिंगारा हुआ है पूरा। अभी ये वाले कौन से हैं, ये ऊपर से टेपर हैं, ये देखो बड़े वाले भाई, ये देखो ये वाले हैं मेरे ख्याल में, ये वाले शायद यही हैं, नहीं यही नहीं है, ये वाले इनके प्राइस लगे हुए हैं, ये वाले 10 ATL स्टैक 950, ये 900 के, ये 950 के हैं, ये वाले बड़े वाले सारे 900 की रेंज में ही है, 800, 855, 855। ये वाले का प्राइस पता क्या है, इसका प्राइस लिखा नहीं हुआ कहीं, वही है यार 1200 के बीच में है भाई ये स्टैक, एक होगा या दो होंगे, एक ही होगा मेरे ख्याल में, नहीं दो के पीस ही हैं ये देखो, बंधे हुए हैं ना आपस में, तो 800-900 का आता है भाई ऐसे वाले। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये वो टायर के ऊपर लगे होते हैं ना वहाँ पे फैशन, तो वो फैशन है सारा, ये देखो $75 के 20 आएंगे ऐसे, जो टायर के बाहर हब के नोट नट होते हैं ना उनके ऊपर लगाने के लिए, ये सारा फैशन है ये देखो। वाह कितनी वैरायटी कितनी है यहाँ पे यार, दिल भाई बागो बाग हो रहा है, जितना दिल बागो बाग हो रहा है ना हिसाब नहीं लगा सकते आप लोग, क्या बात है क्या बात है। अभी एक बार उसको प्राइस पूछ लेते हैं कि ट्रक का प्राइस क्या है, तो अपना दिल थोड़ा सा थाम के बैठ जाएंगे कि भाई अपनी पाँव से बाहर है। ये मूस बम्पर लगा हुआ है टफ गार्ड $600 का, नहीं आगे वाला छोटा पीछे वाला बड़ा है वो नहीं, और ये हार्ड का बड़ा वाला कितने का, ये सेल पे लगा हुआ है मूस बम्पर। हेलो सर, सो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दिस ट्रक, व्हाट विल द प्राइस ऑफ दिस ट्रक, इज द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट ट्रक इज 700,000 700,000 यप, इट्स लाइक गोइंग एवरीथिंग ऑन द इनसाइड ऑफ इट is authentic, complete. I mean, this has basically been built from the ground up. All the chrome pieces that are, in, are on the inside are authentic, 100% chrome accents. So there's no. Is there possible? Can I see inside or just take a picture of it? It's like, well, you can take a picture of it, but yeah, but unfortunately, Limelight's closed off to the public. Oh, okay. So, yeah, it's like going. Yeah, we locked the doors. It's like going because we actually did have her open to the public, and then people will go in there and start picking the pieces off. So oh, then we okay, had to get okay. everything redone and then we locked the door. भाई इसके अंदर जो पूरा काम हुआ है ना ट्रक के अंदर, ये जो क्रोम के लगे हुए सारे पीसेस अंदर, और अंदर उन्होंने लॉक किया हुआ है, बोलते हैं कि बंदे बाद में छेड़ना शुरू कर जाते हैं। और इस ट्रक का जो प्राइस है वो 700 के US होगा, भी इतना पैसा इन्होंने लगाया हुआ है लाइम लाइट वालों ने।
हैरान हो जाओगे आप सुन के भाई, 7 लाख $7 तो अपना कैनेडियन तो 10 लाख के पास में हो गया था। मिलियन का ट्रक है ये, बोलता कि ये सब पब्लिक के लिए पहले खुला हुआ था, लेकिन बाद में लोगों ने अंदर जाके पीस टुकड़े उतारने शुरू कर दिए क्रोम के, तो अंदर सारा क्रोम ही लगा हुआ है। एक बार आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, अभी बाहर चले जाते हैं, अपनी पहुंच से बाहर है ये। यहाँ पे आपको हर एक चीज ट्रकों के रिगार्डिंग जो फैशन की होगी वो पक्का मिलेगी। ये देखो स्टीयरिंग लगे हुए हैं, पीटर बेल्ट के ही हैं सारे। ये देखो इसका प्राइस है 231, ये है 228, ये लाल वाला, ये सारे वो जो फैशनेबल स्टेयरिंग होते हैं ना कलर के, वो वाइट, ये ग्रीन देखो 228 का। वाह, 7 लाख डॉलर सुन के मैं इधर आया हूँ, नहीं तो मैंने अभी इधर वापस नहीं आना था, लेकिन 7-8 डॉलर बोले तो मैं इधर आ गया। ये ओ कैनवर्थ का, ओ यस मैन, ये भी पूरा शिंगारा हुआ है इन्होंने। स्टूडियो स्लीपर सुपर ट्रक्स शोरूम, ये लाइटें लगानी है आपने पीछे आगे, वो सारा हिसाब किताब है। बम्पर के बम्पर ही लगे हुए हैं, जैसे बम्पर का बम्पर ही पूरा मिलता है। ये देखो ये वाला, ये वाला उसके साथ में वो इंडिकेटर भी आएंगे वो वाला। और ये बेड देखो ओडीसी का, ट्रक का मैट्रेस ऐसा भी हो सकता है, जैसे ऐसे टीवी लगा होगा फिट करके देंगे सारा। और ये इसका प्राइस लगा हुआ है $600, 32x80 लेना है 600, 36x80 लेना है 600, और 42x80 लेना है तो 650 का आएगा। तो ये ऐसे बेड लगा होगा सामने और ऐसा टीवी लगा होगा आपके, क्या बात है यार। हर एक चीज़ क्लासिक, क्लासिक से भी क्लासिक। ये जॉपलिन 44, शो मी स्टेट। ये चेनें पड़ी हुई हैं, लेकिन चेनों का रेट मेरे को ज़्यादा लग रहा है। ये देखो 184 की चेन पड़ी हुई है, हमने ये वाली ली थी 184.99, हमने लव के पंप से ली थी, वहाँ से कितनी आई थी, कितने की आई थी लव के पंप से, 140 प्लस टैक्स आई थी। अभी मैं बंजी स्ट्रैप देख रहा हूँ, अगर सस्ते लगे होंगे, लेकिन वो देख के मेरे को लग नहीं रहा कि बंजी स्ट्रैप यहाँ से सस्ते मिलेंगे अपने को, लेकिन सारा सामान पड़ा हुआ है। ये देखो वाइड लोड का, ये मेरे पीछे ये देखो सब वाइड लोड है। $2 की एक लगी हुई है 21 इंच की, हमारे पास 21 इंच की होती है, 21 इंच टार्प स्ट्रैप जो 219 की एक। और ये अगर आपने 10 लेनी है तो 20 की, बॉक्स ऑफ 50 लेना तो $66 का US का। तो यहाँ से दूसरी तरफ से बाहर इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको खाने पीने के लिए मिल जाएंगी, टैको बेल, पिज़्ज़ा हट, कैरिबी कॉफ़ी, ऑरेंज जूलियस, DQ भी इसके अंदर ही है, ये सारा कुछ इस बिल्डिंग के अंदर ही है। इस साइड से घुसो, दूसरी साइड से निकल जाओ। ये अंदर घुसने का टाइम है, वो कैरिबियन कॉफ़ी है वो देखो, और वो पिज़्ज़ा हट, टैको बेल। बड़ी महंगी दुनिया है भाई, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ सपनों की दुनियाओं में से। 7 लाख $7 का कॉस्ट करेगा तो कैसे लेंगे भाई। ओए ओए ओए, डिटो कॉपी उसकी है, ये बात बताओ कमेंट सेक्शन में। IAT कैसा होगा अगर आपने पेट्रो 44 देखा है? IAT दुनिया का सबसे बड़ा है, तो मैं अभी वहाँ पे गया नहीं, लेकिन जिस दिन गया हूँगा आपको डिटेल में वीडियो बना के बताई जाएगी भाई। अरे तेरे सर के तेरे 15-20 लॉन्ग नोज रंग बिरंगे मेरे आसपास रखो और मेरे को बीच में बिठा दो, चाहे ठंडी है, कोई खाना नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, कभी मैं कोई चलाऊं, कभी मैं कोई चलाऊं, बस ऐसा ही होना चाहिए। रेड पीटरबिल्ट की याद आ गई, इतने सारे ट्रक देखे ना भाई, वो अलास्का वाला टाइम जो था ना, वही सिरा टाइम था वो भी। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, अपनी 36 पढ़नी है अभी, कल सुबह मैंने 36 घंटे काटने रोड के ऊपर किसी ट्रक स्टॉप के ऊपर, अगर यहाँ पे कहीं मौका बन जाता ना भाई तो मज़ा आ जाता, लेकिन अभी माहौल वो नहीं बनेगा क्योंकि अपने पास 5 घंटे हैं। अगर मैंने 5 घंटे सुबह नहीं चलाया तो फिर टोरंटो पहुंचने से पहले भी एक स्लीप और डालनी पड़ेगी, जो कि सही नहीं है, इसलिए काम भी देखना पड़ेगा भाई। डिटो इसकी कॉपी थी ना, बस इसका मगराड़ और लाइटें ब्लैक है, उसकी क्रोम थी। हाँ, खाना भी नहीं खाया मैंने आज, अपना तो पेट ऐसे ही भर गया भाई, खाना खाने की ज़रूरत क्या है? ऐसे वाले ट्रक साथ में खड़े हैं, ग्रीन वाला भाई साहब, वही ग्रीन अंदर लगा हुआ है, लेकिन वो लाइम लाइट का ग्रीन है, उन्होंने पैसा बड़ा लगाया हुआ है।
चाहे ये वाला ट्रक स्टॉप जो है ना वो शायद सेकंड लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप होगा, क्योंकि पास में 475 ट्रक की पार्किंग है, तो 475 ट्रक आसपास में खड़े होना। और अगर कहीं पार्किंग यहाँ पे फुल हो गई, पायलट का पंप है, ये पेट्रो हो गया, और वो वाला जो आपको मैंने दिखाया दूर से वो लव है, लव थोड़ी दूर है लेकिन लव तो लव ही है भाई। जो मोस्ट ऑफ द यूएसए की पॉपुलेशन है ना, मैंने आपको बताया ईस्ट से लेके मिड वेस्ट में रहती है, तो जब जब आप पीछे चले जाओगे, जैसे हम एरिजोना निकाल के हैं, न्यू मैक्सिको निकाल के हैं, आपने एक चीज़ नोट की वहाँ पे मोस्टली रेतला इलाका, रेतला, लेकिन जैसे जैसे आप इस तरफ को आओगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो ये इलाका सारा पॉपुलेटेड होता जाएगा और आपको रौनकें ज़्यादा दिखाई देंगी, हाईवे ज़्यादा बिजी दिखाई देंगे। तो बस हाईवे 44 के ऊपर सफ़र करते हुए भाई हम पहुँच गए पेट्रो। मेरे को मालूम नहीं था कि मैं यहाँ पे पहुँचने वाला हूँ, लेकिन किस्मत अच्छा था, जब मैंने इसका बोर्ड देखा तो मेरे को एकदम से पता क्या फील आई, कि मैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप के ऊपर पहुँच गया, उसका भी बोर्ड ऐसा ही है, लेकिन वो यहाँ से 700 किलोमीटर दूर एक साइड में पड़ेगा, थोड़ा सा एक साइड में, वो IAT के ऊपर है, हम 44 के ऊपर है। तो ठीक है भाई, आज तो भाई बस कुछ ना, मुझे मेरी एक्साइटमेंट का लेवल आपको मालूम नहीं पड़ रहा होगा, कि जिनका दिल ट्रकों में लगता है ना, उनको ऐसी वाली चीज़ें जो है ना वो वर्थ करती हैं, मैटर करती हैं। सफरा तेरी, काम करो, काम को एंजॉय भी करो। अगर काम आपके ऊपर बोझ बन गया ना, जैसे मैंने कल क्षति काटनी, मेरे को एक भी टेंशन नहीं, क्यों टेंशन लूंगा तो क्या कर लूँगा, क्षति कम हो जाएगी, क्षति खत्म हो जाएगी, नहीं होगी, काटनी है तो काटनी है भाई, एंजॉय करें, कल देखेंगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई जिन्होंने अभी तक नहीं किया। मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड में, यहाँ से सफर शुरू करेंगे पेट्रो 44 से, और देखते हैं कल कहाँ तक जाते हैं और 36 घंटे कहाँ पे काटने के लिए अपने को बढ़िया जगह मिलती है। फिलहाल अपना और अपने पूरा का ख्याल रखो, रब रखा। I'm an old school man. I only wanna fall in love once with an old school girl.